यो यानी सिंह, सिलिकॉन वाली लड़की को मैं पकड़ता नहीं, ब्राउन रंग से मेरा दिल ये बढ़ता नहीं, गोरी गोरी स्किन के लिए मैं मरता नहीं, क्योंकि मैं हूँ शेर, घास खाता नहीं। वो नारियल का कौन है? भूतनी। दंगादारी की मैं भूखनी, नाका कर रही है? नेट चलाने आई हूँ। तो नेट तो शमशान में चला लेकर, आजकल तो माउंटावरा में। यहाँ पे फ्री का वाईफाई चलता है, 100 MB पर स्पीड से। चले जा यहाँ से। तू यहाँ से चला जा, तेरे बहन के भट्टा में टाइल लगा दूंगी। ये कहीं रैप में भसम कर दूंगा, चले जा यहाँ से। बताऊँ क्या अभी? बताइयो। रिलैक्स बॉयज, गेट तो खुल ही नहीं सकता, लगा हुआ है। गप्पू महाराज, तेरा झाड़फू कब के काम ना आयो? अरे यार, चल जाए तो तुक्का में तीर, नहीं तो कटोरा में खीर। बात कछु समझ ना आई, कटोरा में खीर कैसे? अरे यार, कम से कम जादू फादू काम करें चाहे नहीं कर, जेमी को तो मिल लो, टाइम टू टाइम पेट तो भरो अपना। अब की बार ना मिलो। ओहो, अब की बार ना मिलो। सारे बार नारियल पानी पीवे लग रहा, सतर ही सतर छाछ पी भैया, तुमने पिए बड़े नारियल पानी। सुन गप्पू, यहाँ गाँव में है तेरा भंडा फोर, अगले गांव में चलेंगे ना, मैं बनूंगा गुरु, तू बनेगा चेला। का? मैं गुरु तू चेला। दोबारा बोलने का सुना ही ना दई। मैं गुरु तू चेला। अच्छा, तुम बनेंगे गुरु और गप्पू बनेगा चेला। बिल्कुल। औकात में रह के बात कर। काहे की औकात? तो गुरु बनना है? हाँ बनना है। आजा मुझे अस्त्र शास्त्र कर ले तू। बिल्कुल कर ले। अगर तैने मेरे 3 सवालों को जवाब दे दियो तो तू गुरु बन जावेगा और मैं चेला बन जाऊंगा। बिल्कुल। तो सुन। सुना? रेलगाड़ी रोड पे क्यों ना चले? रेलगाड़ी रोड पे क्यों ना चले? या वो ना पता, तू बताइयो। सोच ले और ना, काम करो, बंद करो दिमाग। अबे चूतिया, रेलगाड़ी रोड पे क्यों ना चले? क्योंकि वहां में टायर ना है। दूसरे सवाल का जवाब दे देना। बता। 1 सेकंड में 100 के नोट डबल कर सका? 1 सेकंड में 100 का नोट डबल तू कर देगा? हाँ, हम कर देंगे। बताइए कैसे? शीशा के सामने दर्द है, 100 के नोट है। आयो रे मां, ये बनेंगे गुरु, बनेंगे ये गुरु, गुरु बनेंगे गुरु। तीसरे सवाल का जवाब और दे दे, अगर तूने जवाब दे दियो तो मैं सोचूंगा चेला बनवेगी। ठीक है। मेरे पास 5 टॉफी हैं। हाँ, 3 टॉफी तो को दे दई, 2 टॉफी वाला लाली को दे दई। अब मेरे पास कितनी बची? लाली बाद में देगी, पहले बात कर। चेला साहब 0 0 मेरे पास 7 टॉफी बची। कैसे? पहली दर्रा की मैं जिम में। अब चले जा यहां से, तू निपट पटा और जाएगा, चल बनेंगे। अरे ढोंगी, तो मूड मारो बेकार है, बनेंगे चेला, चल। यार, अब कोई और तो लेना पड़ेगा पार्टी में। महाराज जी, मुझे अपनी कंपनी में ज्वाइन कर लो। बेटा कितनी पढ़ी लिखी है? मैं बीटेक कर ली, एमटेक कर रही हूँ। ओहो हो, तुम तो हमारे क्षेत्र में जाने लायक ही नहीं हो। क्यों? अरे बेटा सुनो, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन बनता है? डॉक्टर। उससे कम पढ़ा लिखा कौन बनता है? मास्टर। और 8वीं फेल बने नेता। और हमारे क्षेत्र में जाके आदमी को अनपढ़ है वो बहुत जरूरी है। यू आर डिस्क्वालीफाई। ऐसा ना बोलो महाराज जी, मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जला दूंगी। सही में? हाँ। तो चलो, मैं तुम्हें अपनी कंपनी में ले लेता हूँ। वैसे अगर तुम जला दो तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने जादू से उनको भस्म कर दूंगा। ठीक है, तो चले तो बेबी व्यवस्था बनाने। क्या मतलब? देवी चले दरबार लगाने। हाँ। आया आया। अरे महाराज जी कब आएंगे यार? महाराज जी कहाँ हैं? महाराज जी यहाँ में चाहे नहीं, यहाँ में ताजी मस्त बैठा रहा है। महाराज जी ने पूरा गोला फिट कर रखा है, चीज है पूरी। ओए तू महाराज जी के बारे में क्या बोल रहा है? चुपचाप, महाराज जी ने बुलवा ले, बहुत समस्या है। इनका कहिए भाई साहब, बुला लो महाराज जी ने, बुला लो महाराज जी ने, बुला महाराज जी ने, महाराज जी ने, बुला बुला महाराज जी ने। अरे शोर ना बचाओ, मैं बुला के लाती हूँ अभी। ठीक है, जल्दी बुला के लाओ। महाराज जी तो चिलम लगा रहे हैं। महाराज जी चिलम पी रहे भीतर? अरे हम तो पहले कह रहे ढोंगी है बाबा, ढोंगी है, चलो यहाँ से ढोंग करे। चलो। ओम फाट 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 ओम फाट फाट फाट। क्यों रे महाराज जी स्टार्ट हो गए? ज्यादा बोल लो का महाराज जी, चुपचाप हाथ जोड़ ले, भस्म कर दूंगा। तो मेरे शिष्यो, परमात्मा क्या है? क्या है परमात्मा? ए बता दे ना, क्या है परमात्मा? हमने कहा पता महाराज जी, तुम बताओ ना। हाँ, इस अज्ञानी से मैं यही कहलवाना चाहता था
अब हम 5 मिनट अपने अंदर बसे हुए परमात्मा का संचार करेंगे, तो सभी मेरे शिष्य अपनी आंखें बंद करेंगे और 5 मिनट के लिए परमात्मा का ध्यान करेंगे। नानी गल्ले जाया गल्ले जाया, आंखें बंद कर ले, भेज दूंगा जा रिया तू यहां से जा महाराज साहब, बैठा लो यहीं, बैठा लो यहीं, बैठ जाने दे, आंखें बंद कर ले। महाराज झोपड़ी गए कौन सा बे ऐत को देख ले आ ढोंगी महाराज, तू का कर रहे बे यहां, तेरी दुकान बंद करवावे आया हूं, बड़े सवाल पूछ रहा ना तू, अब तू बता। अब पूछ लेना, इस बच्चे की मन की बात मैंने पढ़ ली है, ये क्या कह रहा पता मनी मन में, कि महाराज ढोंगी है, धंधा करता है, तो पूछ तेरे अंदर क्या सवाल है उसका मैं जवाब दूंगा और सिद्ध करूंगा कि मैं ढोंगी नहीं हूँ। तो महाराज जी एक बात बताओ, मैं अपने घर से चला 500 की स्पीड पे, तो या हिसाब से मेरी उम्र का हुई, हम तो दूरी बट्टे चालू ना लग रहा हूँ, जाते पूछूं बीटेक कर रखिए। दासी महाराज जी बताएंगे सबके दुखर जाएंगे, महाराज जी बताएंगे सबके दुखर जाएंगे, तनखा काटूंगा तेरी। दोबारा से पूछ बच्चे क्या था तेरा प्रश्न। मैं घर से 500 की स्पीड पे चलो, मेरी उम्र का है। तेरी उम्र है बच्चे 40 साल, आधार कार्ड में देख ले बोलूं, 40 साल है आधार कार्ड में देख ले। महाराज जी तुम तो अंतर्यामी है महाराज जी, तुम्हें कैसे पता लगी महाराज जी। अपने अपने फंडे होते हैं बच्चे, डायरेक्ट कनेक्शन है परमात्मा से, 5G से, अभी बता दिया उन्होंने मुझे। महाराज जी हमको बता दो, मेरो एक मौसी को छोरा है आधो पागल है और वो 20 साल को है, तू तो पूरा पागल है ना, तो वो ना 40 साल का। इस खुशी के उपलक्ष्य पर इस धूर्त का घमंड समाप्त करने के बाद एक मैं अपनी दासी के लिए शेर बोलूंगा। अजीब ही तेरे नखरे, अजीब ही तेरी स्टाइल। महाराज जी एक और जाए तो पूरा हैजांदा ये जादे हैतर डाल रहा है। अजीब ही तेरे नखरे, अजीब ही तेरी स्टाइल। महादेव को लक्कन्ना हाथ में ले लियो मोबाइल, धरता जा। महाराज जी आप अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बताइए क्या है। मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि आज मैं तुम्हारे साथ बताना चाहता हूँ। बात है सन 1800 की, जब इस पृथ्वी पे कोहरा ही कोहरा था, मैं पहाड़ों में बैठ के तपस्या कर रहा था, बारिश पड़ रही थी छप 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 छप, हवा चल रही थी सर 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 सर, और बिजली कड़क रही थी तड़ 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 तड़, जब मैंने वहां बैठकर आविष्कार किया जिससे दीवार के आर पार देखा जा सकता है। ऐसी क्या चीज थी महाराज जी। छेद हो छेद, आराम तो देख लो, सुम्मी तो करो मैं। और तेरी समस्या को पीछे करूंगा और हल, दान पेटी खाली पड़ी है। हाँ भाई दूसरी कौन सी समस्या है। मैं बहुत परेशान हूँ महाराज। हाँ बोल भाई ग्वारिया। महाराज मेरे 2 ढोर हैं, एक दूध ना दे रो और एक हरो ना डट रो। हमने तेरे ढोरन को डांट बेको तो बुना ले रहा को ठेका, पर हाँ एक ऑनलाइन मंत्र ऐसा बोलूंगा जाते बात है, तेरे ढोर दबा दब दूध देंगे, नदी बहेंगी दूधन की भाई साहब। पर सुन तू जो दान पेटी को ध्यान रखियो ठीक है। बिल्कुल महाराज, दान पेटी चिंता मत करो तुम। यो हरी सिंह शरीर डालो दूध में पानी, पतले दूध के यही कहानी, पेट भर के जितना भी पी लो, दूध के साथ तुम फ्री का पानी ले लो बाबी ले लो दूध, जामे मलाई खूब हम खूब, पता नहीं मुझको समझ नहीं आता दूध में पानी में कितना मलाता, क्योंकि 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 घर पर जाके फोन कर ले, इलाज कर दियो ऑनलाइन, तेरे घर पे दूध की नदी बह रही होंगी, फोन कर ले भर। हेलो हाँ कितने दूध की बाल्टी भर गई का महाराज। इताय भैंस भर गई। ए तो यहाँ मेरी का गलती है, तू ही कर रहा दो 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 बता तो गई आको मनता रहो जी, भैंस पे तो उल्टा काम कराए कोई। बता तू मेरी गलती है काम कोई। हाँ ऐसे चपरे तू का जाने। हाँ भाई सच्चा तुम बता मेरी गलती है काम। आधे भाई यूं यूं आको मतलब यूं कर रहे हैं कि हमें महाराज जी की गलती ना जाकी गलती और बाकी भैंस की गलती जो मर गई। हाँ तू बैठ रहे। हाँ और कौन की कोई समझ जाएगा। महाराज जी प्रणाम। हाँ भाई रुक जा, ज्यादा आगे आओ तो सिस्टम में कर जाएगा। लाइक ना आ रहे शेयर ना आ रहे। बस वो पता चल गई तू अच्छी वीडियो बनाता है, बहुत शानदार वीडियो बनाता है, लेकिन वो वीडियो चलती नहीं है, तुझे तेरी मेहनत का फल नहीं मिलता है। तुमने कैसे पता। अरे यार मैं भी तेरी वीडियो देखता हूँ, देख चैनल सब्सक्राइब कर रखा है मैंने। ए ये तो अनसब्सक्राइब है। अरे यार ऐसी क्या बात है, हर वीडियो पर सब्सक्राइब करता हूँ तेरा चैनल। ये कई बार सब्सक्राइब करना पड़े, ये कई बार लाल पर दबाना पड़े। चेली ने कर दी होगी अनसब्सक्राइब। कछु समाधान करो। देख समाधान तो ये है
तेरी पब्लिक है बोलता है कि हर दो तीन दिन में चैनल खोल के देखते रह करें कि नई वीडियो आई है कि ना है, जो वीडियो पहुंचावे भाई भी देख ले, मैं चैनल देखे ही ना है। बोलता तेरे दर्शकन दे कि चैनल खोल के देख ले करो, दो तीन दिन पीछे तू भी परेशान मैं भी परेशान, दो दो रोल करने पड़ रहे हैं यार, हम मत कहिए। तुम्हें क्या दो अपने दर्शकन दे भैया, चैनल खोल के देख ले करो दरोगा गप्पू के, हाँ नई वीडियो के काज है। हाँ ठीक है तू अब जा, यहीं पे बैठ जाऊं मैं लास्ट तक। अरे चले जा, तू जावे को चाहे तो महाराज आवे को। चली मस्त है बस महाराज जी, भेज दियो वीडियो में चल सके। देवी जी के साथ कौन है? मैं हूँ महाराज जी। क्या समस्या है? नागिन आ गई मेरी बहू पे। तुम्हें कैसे पता चला कि इन पे नागिन आती है? ये सो रही, मैं बीन बजा रहा हूँ। शब्दों का सही उच्चारण कर ले टकले, अच्छा देखे वीडियो, बीन बजाओ कर रहे। महाराज जी मैं सपेरा हूँ, रात में अपने कमरा में सो रही, मैं गली में बीन बजा रहा हूँ। कैसे बजा रहा था? तू बन जा बलम सपेरा और बीन बजा रस में, मोए कारो नाग सताए गो झेर मेरे पूरे गो नस नस में। गप्पू बेटा मस्त धंधो चल रहा है वैसे भैया, दारू की दारू, पैसा को पैसा, लौंडिया की लौंडिया भैया, और डंडा के डंडा। तू कौन है बे? माँ जाके मेरी दासी से बात कर ले, तेरे ट्रांसफर सब है जाएंगे नहीं एक ही झटका में। ट्रांसफर तो तेरा है वो जेल में, पीछे देख। ओ छोरा जल्दी आओ, रही तो असलियत में चल आई ना, इंस्पेक्टर नहीं बन गई, जल्दी आओ। तू निकल बाहर, चल चल, तू इन भोली भाली मासूम जनता को पागल बना रहा है ढोंगी महाराज। हाँ मैडम, तुमको कह रही है कि मैं ढोंगी हूँ? याद कर वो पार्क वाली बात। तेरे होगा भंडाफोर, अगली बार अगले गांव में चलेंगे ना तो मैं बनूंगा गुरु, तू बनेगा चेला। चल जाए तो तुक्का में तीर, नहीं तो कटवरा में कीर। चलें देवी जी दरबार लगावे। ढोंगी गप्पू महाराज, तेरा धंधा तो मैं बंद करवाऊंगी। मारो 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 मारो, रुक पे जाओ, कहा मारो मारो मारो, तुम जैसे इनके चक्कर में तो ढोंगी महाराज मूडन पर चढ़ रहे हैं। ओ भैया कहूं पता लग जाएगी भैया माँ ऐसा है रहो, भग जाएंगे, धर्माओं नहीं देखेंगे, अपनी आर्थिक स्थिति नहीं देखेंगे। अरे भैया लालच कम करो और इन ढोंगी और असली और नकली में फर्क करो सीखो, इन जैसे ढोंगी महाराज के चक्कर में हमारे असली संत महात्मा बदनाम है रे, समझ जाओ, हमारी संस्कृति बदनाम है भैया, पहले समझ जाओ, बहुत टाइम नहीं है जावे, तुम तो कह रहा हूँ समझ लो यार। हो जाओ ऐसे ढोंगियों से सावधान, नहीं तो पैदा हो जाएगा हमारी संस्कृति में विभेदान। जय हिंद। राम राम भैया जी, वीडियो तुमने बढ़िया लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हाँ भैया, और डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर फॉलो करो, जाते तुमने 1,00,000 रुपए मिलेगा डेमो अकाउंट में, और मेरे प्रोमो कोड गप्पू यूज करोगे तुम्हें 30% का बोनस मिलेगा अपने डिपॉजिट पे, तो जाओ ट्रेड करो और पैसा कमाओ, ठीक है? चलो आ जाओ, दूसरी बनाएंगे वीडियो।